अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज से जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वो है किंगडम एनिमिलिया। हमें पता है ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म्स है, आज तक ये आपकी एनसीईआरटी कहती है अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, और इनमें से लगभग मोर देन 1 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स है वो कंप्राइज करती है आपकी किंगडम एनिमिलिया। कहां पे होती है वो? किंगडम एनिमिलिया में। किंगडम एनिमिलिया दिस इज द लार्जेस्ट किंगडम्स Among all the kingdoms, हमें पता है आरएच विटाकर ने 1969 में तमाम ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था 5 किंगडम्स में, किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। हम आज डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमिलिया के बारे में। ये वाली किंगडम जो है दिस इज द लार्जेस्ट किंगडम Among all the 5 kingdoms, और ये कंप्राइज करती है मोर देन 1 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स जो आज तक डिस्कवर हुए हैं, ठीक है ना। अब ये जो किंगडम एनिमिलिया है इसमें छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म तक आता है। इसमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी आता है, इसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी आता है। अगर हम सबसे बड़े एनिमल की बात करते हैं वो है ब्लू व्हेल, की बात करेंगे। ब्लू व्हेल का आपको साइज पता होगा, ये साइज में लगभग 110 फीट होता है, इसका साइज होता है 110 फीट। और वेट की बात करते हैं, वेट इसका होता है अबाउट 190 पाउंड्स का वेट होता है ब्लू व्हेल, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट इसका जो साइज होता है 35 फीट होता है, कितना होता है 35 फीट होता है, और इसका जो वजन होता है वो अराउंड 15 फीट होता है। कितना होता है? होता है वजन 15 पाउंड्स का वजन होता है एलिफेंट में। अगर हम सबसे छोटे एनिमल की बात करते हैं, आपको पता है जो स्पॉन्जस होते हैं, स्पॉन्जस में आपको ऑब्लिगेट पैरासाइट मिलेगा, जिस ऑब्लिगेट पैरासाइट का नाम है मिक्सोजुआ है। ये सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल माना जाता है, और इसका जो साइज होता है, रेंज होता है, लेस देन 20 माइक्रोमीटर का होता है। इसी तरीके से स्पॉन्जस में साइफा होता है, स्पॉन्जिला होता है, वो भी तो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। अब देखिएगा ये इतनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको मिलेंगे इस किंगडम में, तभी जाके हम कहते दिस इज द लार्जेस्ट किंगडम एंड दिस इज द वास्ट किंगडम। यहाँ पे आपको डायवर्सिटी ऑफ एनिमल्स क्या मिलेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। दे ऑल आर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर यूकेरियोटिक, इसका मतलब होता है इनकी जो सेल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, उनका जो न्यूक्लियस होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, तभी जाके हम कहते हैं क्या है यूकेरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। पॉइंट नंबर सेकंड, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर। आपको एनिमल में कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल यूनिसेलुलर नहीं मिलेगा, बल्कि दे ऑल आर मल्टीसेलुलर। पॉइंट नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे ऑल आर हिटेरियोट्रॉपिक। ये अपना गजा खुद नहीं बनाते हैं, दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स बट दे डिपेंड ऑन फूड। दे वो डिपेंड होते हैं फूड पे, किन पे? प्लांट्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर और एक, इनके जो सेल में वो सेल वॉल एब्सेंट होता है, क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम एनिमल्स में और एक पॉइंट देखते हैं, वो लोकोमोशन शो करते हैं, क्या करते हैं? लोकोमोशन, मोटाइल होते हैं एक्सेप्ट फ्यू स्पॉन्ज जो नॉन मोटाइल होते हैं। हम ये बात भी कहते हैं एनिमल्स में लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होता है, बल्कि इन्हें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन सी रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये शो करते हैं। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे किंगडम एनिमिलिया के। अब हम
अब हम जनरली ये डिस्कस करेंगे, ये जो किंगडम एनिमलिया है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाजुअन्स। क्या इन्हें कहते हैं मेटाजुअन? जुअन मतलब एनिमल्स, और ये मेटाजुअन आपको दो सब किंगडम्स में मिलेंगे। इट मींस मेटाजुअन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू सब किंगडम्स, वन इज कॉल्ड एज द पैराजुआ, अनदर इज कॉल्ड एज द यू मेटाजुआ, पैराजुआ एंड यू मेटाजुआ। On what basis this kingdom have been classified into two sub-kingdoms? On the basis of cellular organization. क्या इनमें cells loosely bound है या cells tissue का रूप इख्तियार कर चुकी है, या अमन cellन चा organ बनियामुत, या अमन cellन चा organ system बनियामुत, किन अम चे freely अमन cellा याद? अगर सिर्फ cellा याद शु present, then we call this as the parazoa, then will we call this as the parazoa? अगर हसा अमन सेलन छ टिश्यूज बनेमित, अमो सेलो छ क्या ऑर्गन बनेमित, ऑर्गन सिस्टम बनेमित, देन वी कॉल दिस एज द यूमेटाजुआ। अब पैराजुआ में एक ही फाइलम आता है, एक ही फाइलम आता है, वो कौन सा फाइलम है? वो है फाइलम पॉरीफेरा, वो है फाइलम पॉरीफेरा। इसी तरीके से यूमेटाजुआ में आपके बहुत सारे फाइलम्स आते हैं। इसमें पहला फाइलम आता है फाइलम सीलेंट्रेटा, दूसरा आता है फाइलम टीनोफोरा, फिर आता है पलेटी हेलमेंथीस, एस्केल हेलमेंथीस, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉडेटा, कॉडेटा। ठीक है ना, ये सारे फाइलम किस में आते हैं? यूमेटाजोआ में। ठीक है ना, अब ये कॉडेटा ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन सब फाइलम में। फर्स्ट सब फाइलम यूरोकॉडेटा, सेकंड सेफेलोकॉडेटा, एंड नंबर थर्ड वर्टिब्रेटा। इट मींस दिस फाइलम हैव बीन डिवाइडेड इनटू तीन थ्री सब फाइलास, यूरोकॉडेटा, सेफेलोकॉडेटा एंड वर्टिब्रेटा, एंड वर्टिब्रेटा हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइव क्लासेस। How many classes? Five classes. Class Pisces, Class Amphibia, Class Reptilia, Class Aves, Class Mammals. तो हमने बात की ये जो kingdom Animalia है, it has been divided into two sub-kingdoms. Parazoa, Eumetazoa. Parazoa में एक ही phylum आता है, that is the Porifera. Eumetazoa में बहुत सारे phylums आते हैं, Cylindrata आता है, टीनोफोरा आता है, उसके बाद आता है पलेटी हेलमेंथीस आता है, एस्केल हेलमेंथीस आता है, एनेलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, हेमीकॉडेटा आता है और कॉडेटा आता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिएगा, मैं यहां पर एक पॉइंट बताऊंगा, पॉरीफेरा से लेकर यहां तक इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी फाइलम्स आते हैं, हम इन्हें कहते हैं इनविटिब्रेट्स या कहते हैं नॉन कॉडेट्स। ठीक है ना, उसके बाद जो ये कॉडेट होता है उसे हम कॉडेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनविटिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम वो कॉलम होता है जिसमें से क्या आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो रन करता है। ठीक है ना, इसी तरीके से नॉन कॉर्डेट किसे कहते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड भी डॉर्सली रन करता है और ये क्या होता है? हार्ड होता है, स्टिफनिंग रॉड होता है। ठीक है ना, और जिसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उसे हम कॉर्डेट कहते हैं, और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो अब किस बेसिस पे, किस आधार पे, किस वजह पे हम ये क्लासिफाई करते हैं? हम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान, ऑन द बेसिस ऑफ सीलूम, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नोडोकॉर्ड, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी पे मेंशनड है, और हम इन बेसिस पे ये किंगडम एनिमिलिया क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इनटू सो मेनी फाइलम्स। ये जो हमने यहां पे फाइलम्स डिस्कस किए, ये फाइलम्स हम डिवाइड करते, ये किंगडम हम डिवाइड करते हैं इनटू सो मेनी फाइलम्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान, ऑन द बेसिस ऑफ सीलू, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड वी विल डिस्कस देम इन डिटेल। हम इनको डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम डिस्कस करेंगे ये जो एनिमल किंगडम है किस बेसिस पे हम ये क्लासिफाई करते हैं इसे. द फर्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम इज द हैबिटेट. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म ये कहां पे रह रहा है? क्या ये टेरेस्ट्रियल है? क्या ये एक्वाटिक है? ठीक है ना, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है एनिमल, टेरेस्ट्रियल, ये एक्वाटिक भी हो सकता है. फिर हम एक्वाटिक में देखते हैं क्या ये फ्रेश वाटर एनिमल है, क्या ये मैरीन वाटर एनिमल है. फ्रेश वाटर मतलब क्या ये रोजन साफ आबस मजन, ठीक है. कभी हम देखते हैं ये क्या ये मैरीन वाटर हैबिटेट में हम डिस्कस करते हैं क्या ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इसका, क्या इसका एक्वाटिक हैबिटेट है. एक्वाटिक में हम डिस्कस करते हैं क्या ये फ्रेश वाटर में रहता है या मैरीन वाटर में रहता है, ठीक है ना. ये दिस द हैबिटेट. नाउ पॉइंट नंबर सेकंड इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसकी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसकी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर भी हो सकती है. ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो फाइलम होगा, इस फाइलम में तमाम ऑर्गेनिज्म का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सेलुलर हो सकता है. इसकी एग्जांपल कौन सी फाइलम है? फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा आपने याद रखना है, इस वाले फाइलम की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर. अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड भी हो सकता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किस फाइलम में है? आपको ये मिलेगा दो फाइलम में, फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम सीलेंट्रेटा. फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इन दो फाइलम्स में आपको मिलेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब कभी कभार ये टिश्यूज फॉर्म करते हैं ऑर्गन. क्या करते हैं फॉर्म? ऑर्गन. हम कहते हैं ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किसने पाया जाता है, किस फाइलम में? उस फाइलम का नाम है पलेटी हेलमेंथीज. पलेटी हेलमेंथीज ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना. अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पलेटी हेलमेंथीज के अलावा एस्केल हेलमेंथीज, ठीक है ना, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, उन सभी में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लिखेंगे फ्रॉम एस्केल हेलमेंथीज, एस्केल हेलमेंथीज से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स है उनमें क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर पॉरीफेरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. फिर ऑर्गन सिस्टम ये वाली इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है, पलेटी हेलमेंथीज. ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केल हेलमेंथीज से लेकर कॉर्डेट्स तक, ठीक है ना. अब हम थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना, ठीक है ना. हम जब भी सिमेट्री की बात करते हैं इन फाइलम्स में आपको तीन सिमेट्री मिलेंगी. कोई फाइलम आपको मिलेगा एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल इसका मतलब क्या है? हम इस फाइलम को दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेन पे. चाहे आप डायगोनल प्लेन डालो, चाहे आप सेंट्रल प्लेन डालो, चाहे आप ऐसे प्लेन डालो, यू कैन नॉट डिवाइड दिस फाइलम इनटू टू इक्वल हाल्व्स, ठीक है ना. दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल में आपका कौन सा फाइलम आता है? आपका जो फाइलम पॉरीफेरा आता है वो है एसिमेट्रिकल पॉरीफेरा, ठीक है ना. अब कभी कभार आपको आता है रेडियल सिमेट्री. व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जब आप एक एनिमल को किसी भी प्लेन पे दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड कर सकते हो. चाहे आप सेंट्रली प्लेन, चाहे आप डायगोनली प्लेन डालिएगा, चाहे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन डालिए, चाहे ऐसे प्लेन डालिएगा, जिस तरीके से भी आप इस ऑर्गेनिज्म को कट करना चाहोगे, यू कैन डिवाइड दिस ऑर्गेनिज्म इनटू टू हाल्व्स. तो इस वाली सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री. इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आती है रेडियल सिमेट्री में? रेडियल सिमेट्री में आता है आपका सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा रेडियल सिमेट्री में आता है आपका टीनोफोरा. टीनोफोरा
और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्या है? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। मगर याद रखना इकाइनोडर्मेटा में दो लाइफ स्टेजेस आते हैं, एक एडल्ट लाइफ स्टेज, दूसरी लार्वल लार्वल स्टेज। ये जो इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में आपको क्या मिलेगा? रेडियल सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। एडल्ट सिमेट्री आपको कहां मिलेगी? एडल्ट फॉर्म में, जबकि ये वहां के लार्वल फॉर्म में आपको मिलेगी बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। अब तीसरी टाइप ऑफ सिमेट्री क्या है? दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। वो क्या है? बायलेटरल। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक सेंट्रल एक्सिस पे ही दो इक्वल हाल्व्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन पे, सिर्फ एक ही सेंट्रल प्लेन पे। और यहां पे आपको कौन सी एग्जांपल मिलेंगी? यहां पे आपको एग्जांपल मिलती है जितने भी, चाहे प्लेटिहेलमिंथीज होगा, चाहे एस्केलहेलमिंथीज होगा, ठीक है, एनिलिडा होगा, मोलस्का होगा। इकाइनोडर्मेटा में लार्वन्स होंगे वो आएंगे और क्वाडेटस होंगे, ठीक है ना। वो सारे के सारे किस में आते हैं? बायलेटरल सिमेट्री में। अब और एक पॉइंट जिसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, दैट इज द जर्म लेयर, दैट इज द जर्म लेयर्स। हमें पता है जर्म लेयर क्या है। जब भी स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं वहां पे एक सेल बनती है जिसका नाम है जायगोट। जायगोट डिवाइड करता है, वो बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है? एम्ब्रियो। फिर उस एम्ब्रियो से ब्लास्टुला बनता है और फिर गैस्ट्रुला बनता है। जब गैस्ट्रुला स्टेज होता है तो वहां पे क्या बनते हैं? डिफरेंट लेयर्स बनते हैं, जर्म लेयर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? जर्म लेयर्स। और इन जर्म लेयर्स को क्या कहते हैं? ये जो आउटर वाला बन गया इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। और जो ये मिडल वाला जर्म लेयर होते हैं इसे कहते हैं हम मीजोडर्म। क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और जो ये इनसाइड जर्म लेयर बनती है इसे हम कहते हैं एंडोडर्म। ये कब बनता है? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। ये क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि हर जर्म लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। सपोज एक्टोडर्म से मेरी स्किन, मेरा नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है, मीजोडर्म से मेरी किडनीज फॉर्म होती है, एंडोडर्म से मेरा जो गट होता है, जो मेरा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होता है, मीजोडर्म अभी कंप्लीटली फॉर्म नहीं होता है, इसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा, मीजोडर्म नहीं फॉर्म होगा, मीजोडर्म के बदले होता है मीजोगीलिया। क्या होता है? मीजोगीलिया। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन होता है? डिप्लोब्लास्टिक में आपको मिलता है, आपको पॉरीफेरा मिलता है, आपको टीनोफोरा मिलता है, आपको सीनेंट्रेटस मिलते हैं। वो किसमें आते हैं? डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म भी, मीजोडर्म भी और एंडोडर्म जर्म लेयर भी फॉर्म होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आप ऊपर ऊपर चलिएगा, एनिलिड्स आते हैं, इसमें ऑर्थोपोड्स आते हैं, इसमें इकाइनोडर्म्स आते हैं, अप टू क्वाडेटस आते हैं। यहां तक कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए? चार पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे, दैट इज द सीलूम। अब बात करेंगे हम सीलूम की। व्हाट इज सीलूम? सीलूम एक्चुअली में हम सीलूम कैसे फॉर्म होता है? अब देखिएगा, ये मैंने बताया ये एंडोडर्म है, ये मीजोडर्म है और ये एक्टोडर्म है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मीजोडर्म होता है ना, मीजोडर्म ये क्या करता है? ये स्प्लिट करता है। क्या करता है? स्प्लिट करता है। ये कुछ सेल्स ऐसी फॉर्म करते हैं, यहां से लाता है ऐसी सेल्स, ठीक है ना, कुछ सेल्स ये अरेंज करता है यहां से, ठीक है ना। और यहां पे स्पेस क्रिएट होती है। क्या कहते हैं? यहां पे क्या होता है? स्पेस क्रिएट। स्पेस कैसे क्रिएट होती है? क्योंकि ये जो मीजोडर्म होती है स्प्लिट करती है, किस साइड से?
आधा साइड ये कहां पे ले जाता है, एक्टोडर्म साइड, और आधा साइड ये ले जाता है किस साइड से, एंडोडर्म से, और जो यहां पे स्पेस बन जाते हैं इसको हम कहते हैं सीलूम, इसको हम कहते हैं सीलूम, ठीक है ना। अब सीलूम हम क्या लिखेंगे, सीलूम इज फॉर्मड बिटवीन द, इसे हम कहते हैं गट वॉल, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी वॉल। अब जो सीलूम होता है, सीलूम इज फॉर्मड फ्रॉम द मेसोडर्म बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, क्या लिखेंगे, सीलूम इज फॉर्मड फ्रॉम मेसोडर्म, कहां से मेसोडर्म, बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल। बॉडी वॉल क्या होता है, बॉडी वॉल जो फॉर्म होता है एक्टोडर्म से, इसे हम बॉडी वॉल कहते हैं। गट वॉल किसे कहते हैं, जो फॉर्म होता है एंडोडर्म से, और जो स्पेस क्रिएट होती है इसमें जो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी ना फर्दर, वो अकोमोडेट कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म इसी किसमें, इस सीलूम में। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में ये सीलूम प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, सीलोमेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सीलोमेट्स। अब सीलोमेट्स में कौन कौन सा आता है, इसमें आपको मिलेगा एनेलिडस मिलेंगे, इसमें आपको ऑर्थोपोडा मिलेगा, इकाइनोडर्मेट्स मिलेंगे, कॉर्डेट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिजम्स में, अब आधे एनिमल्स में ये सीलूम क्या मिलेगा आपको, एब्सेंट मिलेगा, उनको हम कहते हैं एसीलोमेट, क्या कहते हैं, एसीलोमेट्स। एसिलोमेट्स में सीलूम एब्सेंट होता है, इसमें कौन कौन सा आपको मिलेगा, इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, उसका नाम है एक पॉरीफेरा आता है आपका, ठीक है ना, इसमें आता है टीनोफोरा आता है, इसमें आता है सीलेंट्रेटा, क्या आता है, सीलेंट्रेटा। लेकिन कभी कभार आपको मिलेंगे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, यहां पे क्या होती है, पाउचेस फॉर्म होती है इन प्लेस ऑफ द ट्रू सीलूम, इन प्लेस ऑफ द ट्रू सीलूम, तो उस वाले सीलूम को हम कहते हैं सीडो सीलूम, क्या कहते हैं, सीडो सीलूम। सीडोसीलूम किसमें पाया जाता है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। सीडोसीलूम इज फॉर्मड इन एस्केलहेलमेंथीज, ठीक है ना, जिन्हें हम निमेटोड्स भी कहते हैं, निमेटोड्स, उनमें कौन सा सीलूम फॉर्म होता है, सीडोसीलूम, फॉलोसीलूम। यहां पे ट्रू बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं होती है बल्कि फॉल्सली पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है ना। ये कितना पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 5 था। नाउ बॉडी प्लान की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, बॉडी प्लान की। नाउ वी विल डिस्कस बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या होता है, जब भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फिर लेटर ऑन हम ब्लास्टोपोर बन जाता है, क्या बन जाता है, ब्लास्टोपोर। आधे ऑर्गेनिज्मों में सिर्फ एक ही पोर बन जाता है, ऐसे एक ही पोर बन जाता है, क्या बन जाता है, एक ही पोर, ठीक है ना। आधे ऑर्गेनिज्मस को दो पोर्स बनते हैं एट द एंड, यहां से एक पोर, यहां से दूसरा पोर, ठीक है ना। ये पोर दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एनस की फंक्शन भी और माउथ की फंक्शन भी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, क्या कहते हैं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। को ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान वो बॉडी प्लान होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही पोर होता है, ये पोर एनस का भी फंक्शन करेगा और ये पोर माउथ का भी फंक्शन करेगा। अब दूसरा एनिमल जिसमें दो पोर्स फॉर्म होते हैं एट द ब्लास्टोपोर, ठीक है ना, जो ब्लास्टोपोर स्टेज होता है इसमें दो पोर्स बनते हैं, एक होता है फॉर द माउथ, दूसरा है फॉर द एनस। इस वाले बॉडी प्लान को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब कुछ में सिर्फ सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, या अगर बॉडी इसमें सिर्फ सेल्स का एग्रीगेशन होता है, सिर्फ यहां पे क्या होगी, सेल्स होंगे, ठीक है, इसमें टिश्यूज नहीं फॉर्म होंगे, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर बॉडी प्लान, क्या कहते हैं, सेलुलर बॉडी प्लान। बॉडी प्लान आपको तीन किस्म का मिलेगा एनिमल्स में, सेलुलर बॉडी प्लान, नंबर सेकंड ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान, नंबर थर्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सेलुलर बॉडी प्लान में आपकी एग्जांपल आती है पॉरीफेरा, कौन सी एग्जांपल, पॉरीफेरा आपकी एग्जांपल आती है। ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान में
ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान में आपकी कौन सी एग्जाम्पल आती है, आपकी एग्जाम्पल आती है यहाँ पे सीलेंट्रेट्स आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे पलाइटी हेलमेंटीज आते हैं, बाकी चीज आते हैं, ठीक है ना। अब बात कम करते हैं हम टू विद इन टू बॉडी प्लान की। इसमें आपको टू में दो पोर्स मिलते हैं, आपको मिलेंगे एनिलिडा, इसमें आर्थ्रोपोड्स मिलेंगे, एकाइनोडर्मेट्स मिलेंगे और आपको मिलेंगे क्वाड्रेटस इसमें, ठीक है ना। अब हम और एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेगमेंटेशन। क्या नाम है इसका? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की बिना पर, इसके आधार पर भी हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। व्हाट इज सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन मीन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स, वी कॉल दिस फिनोमेनन एज सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू, इज डिवाइडेड इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली इनटू सेगमेंट्स एंड दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामियर्स। क्या इन्हें हम कहते हैं? दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज द मेटामियर्स, मेटामियर्स। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? मेटामेरिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपको एग्जाम में आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन इन विच फाइलम। इसका बेस्ट फाइलम जो है दैट इज फाइलम एनिलिडा। कौन सी है? फाइलम एनिलिडा। आपने अर्थवर्म देखी होगी, या अगर अर्थवर्म है इसके बॉडी में ऐसे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं दैट इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड करती है इस अर्थवर्म को इंटू सो मेनी मेटामियर्स, इंटू सो मेनी सेगमेंट्स। इसके अलावा आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी मिलते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन वेल प्रोनाउंसड, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी फाइलम में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है वह फाइलम एनिलिडा, ठीक है ना। जिस तरीके से हिरुडिनेरिया, ठीक है ना, उनमें भी, या नीरीज होती है, उनमें भी क्या पाया जाता है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब लास्ट पॉइंट जिसके आधार पर हम ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड करते हैं, उसका नाम क्या है? नोटोकॉर्ड। उसका नाम क्या है? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। ये पॉइंट नंबर 8 था। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड इज द मेसोडर्मली ओरिजिन डॉर्सली प्रेजेंट स्टिफनिंग रॉड, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड होता है ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ये स्टिफनिंग रॉड होती है, हार्ड रॉड होती है, स्टिफनिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिन एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेट्स। जैसे मैं हूं, मैं क्या हूं? क्वाड्रेट। लेकिन मुझ में ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस किया होता है जिसका क्या कहते हैं हम? वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। सो मैं क्वाड्रेट हूं, लेकिन क्वाड्रेट मैं एक इंपॉर्टेंट टाइप हूं जिसका नाम है वर्टिब्रेट, ठीक है ना। अब जिनमें ये नोटोकॉर्ड एबसेंट होता है उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। अब जो फाइलम पॉलीफेरा से लेकर फाइलम एकाइनोडर्मेटा तक जितने भी फाइलम हैं वो क्या है? वो इनवर्टिब्रेट्स है। अब एकाइनोडर्मेटा से आगे जितने भी है हेमिकॉर्डेटा के बगैर वो क्या है? क्वाड्रेटस है, ठीक है ना। हेमिकॉर्डेटा इन दोनों फाइलम को क्या करता है? लिंक करता है, कनेक्ट करता है। मुझे अब उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।